कैसी बनी जान? मजे की। ये देखें, माशाल्लाह से मैंने होजरी को गर्म पानी से दो दफ़ा अच्छी तरह से धोया है। इसकी सारी जो मैल कुचैल उतर गई है और कितनी अच्छी वाइट साफ हुई है। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। चूल्हे पे रख दिया है, अब हम इसमें ये एक मग है ये भर के पानी का ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने इस तरह से काट दिए हैं, प्रेशर में ये गल जाएंगे। 4 ही अदद रेड रेड से फ्रेश टमाटर है और यहाँ पर एक पोती मैंने ली है लहसुन की और अदरक जो है फ्रेश बिल्कुल मैंने इसको पीस लिया है क्योंकि ये प्रेशर में गलता नहीं है, ऐसे ही खड़ा रहता है, बाकी मसाले गल जाते हैं। अब ये सारे मसाले ऐड करते हैं, प्याज लहसुन अदरक फ्रेश टमाटर खड़े मसाले, इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 बड़ी इलायची जाएंगी। ये बड़ी इलायची जो है ये इसकी स्मेल ख़त्म करेगी, ये इसके लिए बहुत फ्रेश है, इसके लिए बहुत बेहतर है। अब इसमें हम स्पाइसी मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा खुशक धनिया, 1/2 चम्मच दड़ा मिर्च, 1/2 चम्मच इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर लगा देते हैं। चलें जी, हमने इसको प्रेशर लगा दिया है धीमी आंच पे मीडियम साइज़ की। तो अब हम इसको 20 से 25 मिनट का टाइम देंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, पूरे 25 मिनट का हमने इसको टाइम दिया है और इसका जो अंदर से स्टीम है ख़त्म कर दिया है। अब हम इसको खोलते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह, अगर आपका ये जो होजरी है अगर नहीं गली होगी तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं हमारी होजरी गल गई है या नहीं। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी गल चुकी है, कोई कसर नहीं रही इसकी। ये देखें ये हाथ से टूट चुकी है और गल चुकी है हमारी होजरी, इसको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने एक नॉनस्टिक खूबसूरत सी पतीली में निकाल दी है, इसका पानी खुशक हम करेंगे। इसमें हम अब घी ऐड करते हैं, 1 चम्मच जो है गरम मसाला, बहुत अच्छी इसमें खुशबू लाएगा, इसमें वो ऐड कर दिया है घी के बाद। 1/2 चम्मच इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ये ऐड करेंगे, ये इसमें बहुत अच्छी खुशबू लेकर आएगा। पानी देखे हमारा कितना अच्छे से ड्राई हो रहा है, पानी सारा जो हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर देना है जी। माशाल्लाह से ये देखे पानी खुशक हो चुका है और घी भी ऊपर आ चुका है, कितने अच्छा खाने की हमारी लुक आई है। अब हम इसमें साबुत मिर्ची जो है 4 से 5 अदद वो ऐड करेंगे, हरा धनिया फ्रेश जो मैंने काट के अच्छे से धो दिया था ये इसमें ऐड कर दिया। माशाल्लाह से खाना जो है हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इतना ही इसका शोरबा रखना है जो हम रोटी के साथ खा सकें। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे खाने की लुक देखें कितनी अच्छी आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और एक इतनी प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है ना, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कैसा बना है और टेस्ट करके भी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ ही जा रहा है, बहुत ही मज़े की होजरी लग रही है चटपटी सी।
माशाल्लाह से ये देखे डिश आउट कर दी है, कितनी अच्छी मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी, एकदम मज़े की। आप भी एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे मेरे ही तरीके से घर में बनाएं, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार यही डिश बनाने की ऑफ़र करेंगे। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो मज़े की फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अच्छे से कमेंट्स में बताना हमारी ये डिश आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।